परफ्यूजन MRI। परफ्यूजन MRI मतलब ब्रेन एक अपना देह का बहुत इम्पॉर्टेंट अंग है और अपने बॉडी में कंप्लीट इतना जो बड़ा अपना देह है इसमें से जो 25% ऑफ द ब्लड सिर्फ ब्रेन खाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है। और इसमें कभी कभी ट्यूमर हो जाए या कुछ डिसीज़ हो जाए तो उनका खून का सप्लाई बढ़ता है नहीं तो घटता है। तो इसके हिसाब से वो एग्जैक्टली कौन सी ट्यूमर है, कौन सी आजार है, ये जानने के लिए हमें एक परफ्यूजन स्कैन बोल के होता है जो MRI में हम कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जो ट्यूमर ऐसा समझो कि कैंसर की गाँठी है, तो कैंसर सेल्स बहुत ही फास्ट ग्रो होते रहते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा खून भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा खून ले लेते हैं। तो हम अगर स्कैन करेंगे परफ्यूजन स्कैन तो हमें ये समझ में आएगा अगर इसको बहुत ज़्यादा खून की सप्लाई है तो ये शायद कैंसर की गाँठी है, तो हम पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि कैंसर होने के बाद हम ट्यूमर निकालते हैं, निकालने के बाद उसको हम रेडिएशन देते हैं, तो रेडिएशन देने के बाद रेडिएशन आजू बाजू का जो नॉर्मल सेल्स को भी थोड़ा बहुत डैमेज करता है और ट्यूमर सेल्स को भी किल करता है। तो हम जब एक महीना डेढ़ महीने के बाद स्कैन करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्यूमर निकाला ही नहीं है, क्योंकि वो डेड टिश्यू वगैरह वहीं रहती है। तो अगर वो ट्यूमर है या वो रेडिएशन नेक्रोसिस है ये जानने के लिए हम परफ्यूजन स्कैन यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हम परफ्यूजन स्कैन करेंगे तो अगर वो ट्यूमर है तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लड जाता हुआ दिखेगा तो हम ट्यूमर समझ सकते हैं, तो उसको निकालना पड़ेगा। अगर वो रेडिएशन नेक्रोसिस है तो उसको खून पहुँचेगी नहीं, तो हमें समझ में आए कि भाई ये रेडिएशन नेक्रोसिस है, ये ट्यूमर नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा जानकारी जानने में इवन एपिलेप्सी सर्जरीज हम जो करते हैं कनेरी मठ में उसके लिए भी ये परफ्यूजन स्कैन हेल्प होता है। तो ऐसा एक परफ्यूजन स्कैन करने वाला मशीन MRI अपने पास उपलब्ध है और बहुत ही कम चार्जेस में लोगों के लिए स्वामी जी ने यहाँ लाया है। इसका सदुपयोग आप सबके लिए है।